यहीं रहना मेरी बच्ची। यहाँ पर रहने वाले सभी देवी देवताओं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा ये प्रसाद स्वीकार कीजिए और मेरे पति की रक्षा कीजिए। जो गाय भैंसों को चराने गए हैं उन्हें सुरक्षित वापस भेज दीजिए, आपकी कृपा हो। सुना है आपके इलाके में तेज बारिश हो रही है, तो फिर हम लोग यहाँ से जल्दी चलते हैं। आ जाओ। बच्ची, पापा जल्दी वापस आ जाएंगे, रोना बंद करो। कौन तुम? मेरी जान, कहाँ भाग रही हो? मैं अभी अभी तो आया हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरे पति को अगर पता चला ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शायद तुम्हें पता नहीं, अब तक उन चोर डाकुओं ने उसे मार भी डाला होगा। नहीं, ये चूहे, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। अरे रुक, कहाँ जा रही? पकड़, इसको पकड़। अरे क्या करें? अब चैन और उसकी बेटी को नाव में डालो और उस नहर के बीचों बीच छोड़ दो उसे। चलो जल्दी करो। नोअल बेटी, कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ दादाजी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ वक्त की बर्बादी है। वहाँ पर मेरी माँ की रूह भी बसती है। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, लगता है बारिश आने वाली है। और हाँ, वापस आते वक्त मेरे लिए थोड़ा तम्बाकू जरूर लेती आना। ठीक है दादाजी। अजीब लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई। बेटे नैब, तुम्हें चैन की आज भी बहुत याद आती है ना? पर तुम्हारी बेटी हर अच्छे दिन पर वहां जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाती है, कभी नहीं भूलती। हाँ, मगर उसी मंदिर की वजह से चैन की मौत हुई। उम्मीद है आप ठीक होंगी माँ,
पता है मैंने ये खाना खुद अपने हाथों से बनाया है। दादाजी ने बताया कि आपको ये पसंद है, प्लीज इसे आकर खा लीजिएगा। आज मैं आपका मंदिर साफ कर देती हूँ माँ, ये बहुत गंदा हो गया है। नदी पार करने के लिए अभी कोई नाव मिलेगी क्या? अभी बहुत अंधेरा हो गया है, नदी पार करने के लिए ये वक्त सही नहीं है। क्यों, वहाँ कोई भूत है क्या? अगर तुम सचमुच नदी पार करना चाहते हो तो फिर तुम्हें आकर मेरे पैरों पर गिरना होगा और मदद के लिए भीख मांगनी होगी। सुनो टैब, लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, चुपचाप अपने घर चले जाओ। जब देखो शराब पीकर यहाँ गुंडागर्दी करते रहते हो, जाओ यहाँ से। ये गीदड़ भपटिया मुझे मत दो, तुम कर क्या लोगे हैं? जाओ, जाओ यहाँ से। खबरदार जो वापस आए, जाओ। मैं आपसे बाद में मिलूंगी माँ। मोंगसाई, आपको अपनी तमीज संभालनी चाहिए, ऐसा करेंगे तभी तो लोग और दूसरी आत्माएं हमारी इज्जत करेंगी। तुम जब देखो मनमानी करते रहते हो, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारा बर्ताव भी कुछ खास नहीं है, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया, ये आंग ही शरारत कर रहा है। बचाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, तमीज से पेश आओ। अरे चिल्लाना बंद करो, ये तुम दोनों की वजह से हुआ है। ये लोग जब भी शराब के नशे में धुत होते हैं मेरी ही दुकान के सामने आकर झगड़ते हैं। पता नहीं वो लोग खुद को क्या समझते हैं, बदमाश कहेंगे। यहाँ सब कुछ कितना गंदा कर दिया उन्होंने। अंकल, मुझे थोड़ा तंबाकू और कुछ ताड़ के पत्ते दे दीजिए। तुम्हें कहाँ जाना है? जी क्या है कि मुझे इंस्पेक्टर टोनी के घर जाना है, मैं उनका भतीजा हूँ। नुअल, क्या तुम इन्हें नदी के पार छोड़ सकती हो? जरूर। लो। चलिए मेरे साथ। ठीक है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे क्या हो रहा है, गोली किसने चलाई? तुम्हें तो गोली लगी है। बचाओ भाई उसे। अरे उठाओ उठाओ, इसको गोली लगी इसे। देखिए ना अंकल, तुम तो जख्मी हो, बहुत दर्द हो रहा है क्या? उठो ना। रुक जाओ, अभी उठना मत, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, घाव अभी ताजा है, जरा संभल कर। ये कौन सी जगह है? ये नुअल का घर है, वही लड़की जिसकी तुमने इज्जत बचाई थी। मेरी पोती की जान बचाने का शुक्रिया। मैं इंस्पेक्टर टोनी के घर जाना चाहता था। हाँ ठीक है, मैंने उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है, वो जल्द ही आ जाएंगे। सुना साइपिन, तुम जाकर देखो नुअल ने खाना बनाया है नहीं, इसके लिए थोड़ा खाना तो लेकर आओ बेटी। ठीक है अंकल। तुम्हारे कंधे में से गोली निकालने वाला मैं ही था, हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये काम जानता हूँ। और सच बताऊं तो मैंने नैप के साथियों के लिए ये काम कई बार किया है। कौन है जो खुद को मेरा भतीजा कह रहा है? बैंकॉक में तो कभी कोई मेरा भतीजा नहीं था।
कौन हो तुम जो खुद को मेरा भतीजा कह रहे हो? अंकल टोनी, प्लीज पहले इस खत को तो पढ़ लीजिए। किस खत की बात कर रहे हो? ये लीजिए। क्या हो गया है खेम? आखिर किस बात को लेकर इतना चिढ़ रहे हो तुम? देखो माँ, आप मुझसे कोई सवाल मत पूछो, उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों चिल्ला रहे हो? इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जरा साफ साफ बताओ क्या हुआ। पापा, मैं इंस्पेक्टर टोनी के भतीजे की बात कर रहा हूँ। क्यों, उस टोनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो टोनी की तो कोई उल्टा सीधा काम करने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन बैंकॉक से उसका वो बदतमीज भतीजा आया है ना, मैं न्यूल को अपनी बीवी बनाने ही जा रहा था कि उसने बीच में आकर टांग अड़ा दी। तुम्हें एक बात बताऊं खेम, तुम्हारे पापा भी चैन नाम की लड़की को बहुत पसंद किया करते थे जो नुएल की माँ थी, मगर नैब इनसे तेज निकला और उसने चैन से शादी कर ली। तुम्हारे पापा को मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। क्या ये सच है पापा? हाँ सच बात है। पर क्या तुम मुझे असली वजह नहीं बताओगे? तुम इस तरह भेस बदल कर क्यों घूम रहे हो? कुछ वक्त पहले ही हमारे पास ये खबर आई थी कि गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कून नाम का उनका मुखिया बहुत परेशान करता है, पूरा गांव अब चोरों का अड्डा बन गया। पर मैं इस बात से हैरान हूं कि कभी आपने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया। मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकता। मुखिया कून बहुत बुरा है, पर वो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। चलो मुझे आले। हम तुम्हारी दुकान तोड़ने आए हैं, ये सिर्फ तुम्हारा पहला सबक है। अगर दोबारा टांग अड़ाई तो जान से मार दूंगा। मेरे ख्याल से अब तो आप मेरा प्लान अच्छी तरह समझ गए होंगे ना? हाँ समझ गया। प्लान थोड़ा सा अजीब जरूर है, पर मैं तुमसे सहमत हूँ। ठीक है, आप जरा मुझे उस नांग पर आई मंदिर के बारे में कुछ बताइए, आखिर उसकी कहानी क्या है? असल में वो मंदिर गांव वालों ने बनवाया था ताकि वहां पर ऐसी रूहें आकर बस सकें जो वहां के भंवर में डूबकर मर चुकी थीं और जिसका नामो निशान भी पूरी तरह मिट चुका था। उनका मानना था कि वो पानी काला और शापित है, इसलिए लोगों ने उसका नाम रखा वांग नांग प्राय। एक तूफानी रात की बात है, कहते हैं वहां पर एक नाव डूबी थी जिस पर एक औरत और उसकी नन्ही सी बच्ची सवार थी। वो औरत तो मर गई, पर हैरानी की बात थी कि वो बच्ची बच गई। लोगों को लगा कि यह सब नांग प्राय मंदिर की वजह से हुआ है, मगर एक शख्स था जिसे इस बात पर यकीन नहीं था, और वो था नैब यानी उस हादसे का शिकार हुई चैन का पति। उसे बहुत दुख था कि वो नाव मंदिर के सामने ही डूब गई। चैन के पिता का नाम था टॉम यानी नैब के ससुर। वो एक नृत्य सिखाने वाले टीचर है। गांव वालों का मानना है कि वो काला जादू करने में इतने माहिर हैं कि वो किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं। जब नैब ने बरगद के पेड़ के पास वाले मंदिर को तोड़ दिया, तब टॉम को डर था कि उसकी बेटी की रूह को बसने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने नया मंदिर बनाया और उन्होंने चैन की रूह को वहां बसने के लिए बुलाया ताकि उसे और भटकना ना पड़े, और साथ ही एक बाजा भी बनाया। उन्होंने वो बाजा नांग प्राय मंदिर के लिए बनाया क्योंकि चैन जब जिंदा थी तब वो हमेशा वही बाजा बजाया करती थी। बड़ा मजा।
ये क्या जी मेरा कैसे हो गया अचानक उस हादसे के बाद से हर पूनम की रात पास के गांव वालों को नांगप्राई के मंदिर से उसी बाजे का संगीत सुनाई देने लगा। इसीलिए तब से कोई उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। अच्छा, इस स्नैप का असली कामकाज क्या है? क्योंकि मैंने जब उसे देखा तो मुझे वो कुछ अजीब सा लगा, कुछ गड़बड़ लगी। लोग कहते हैं कि नैप पहले एक क्रांतिकारी हुआ करता था। क्या हुआ? ये बुरी तरह जख्मी है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? सर सर, आप ठीक तो है ना? तुम लोग चीफ को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जल्दी करो। पर आपको तो चोट लगी है। तुम जानते हो मैं हारने वालों में से नहीं। अब जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। वहाँ पर एक आदमी जख्मी पड़ा है पापा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। खत्म होने के बाद मिलते। जाओ अभी, वहाँ मचाना। जाओ अपना ख्याल, चलो 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 चलो। हे, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। मुझे जख्म देखने दो, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अरे ये क्या, घाव काफी गहरा है, इलाज जल्दी करना होगा। कौन है? देखो घबराने की बात नहीं है, वो मेरी बेटी है। चैन जरा इधर तो आओ। क्या बात है, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। आंग चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए। अंधेरा होने से पहले पहले इसे ठीक कर दो, समझे तुम? पुजारी जी मेरे साथ मजाक मत करो, मजाक मत करो। मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा।
उठो उठो उठो। आप थे? अगर तुम इस तरह डरोगे तो कैसे चलेगा? हाँ क्या बम आपने डाला? मैं डर गया। इस आंख को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। सभी नौकाएं किनारे से निकल पड़ी है। हम देख सकते हैं कि टापू मंदिर वाली टीम ने नीली शर्ट पहन रखी है और कून की टीम वालों ने पीली शर्ट पहनी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टापू मंदिर की टीम का क्या हाल है? जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि टापू मंदिर की टीम आ रही है, आगे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और पीछे लगी हुई है दूसरी टीम पीछे लगी हुई है। टापू मंदिर की टीम आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हम देख सकते हैं कि टापू मंदिर की टीम जीत रही है। टापू मंदिर की टीम जीत गई, जीत गई। चलते हैं साथ। क्या बात है, बहुत अच्छे। और देख सकते हैं मनोरंजक मुकाबला ऐसा कैसे हो गया, समाप्त हो गया है। अभी हमारा मुझे नहीं पता शुरू ही होने वाला है। ये साला भूखा चला गया। वो हमसे डांस स्टेज के पास मिलने वाला है। चल अब चल। हाँ चलो, धत तेरी की। अब ये अंदर गया और अब देखो। दोस्तों मैं अब इस मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर कून को, ताकि वो हमारे माननीय इंस्पेक्टर साहब के साथ मिलकर जीतने वाले को इनाम दे सके। तालियां बजाइए प्लीज, तालियां। स्वागत है आपका। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पूरा का पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ है। सब लोग जाओ यहाँ से, चलो। पहरे हो क्या? अबे सुनाई नहीं दिया तुम लोगों को? निकलो यहाँ से। हैं ये सब? तुम रुक जाओ साख, तुम इन झमेलों में मत पड़ो। ये लोग तो है ही बदमाश। चलो हम नुअल से मिलते हैं। चलो ना, चलो यहाँ से। อนง ทุกวัน พี่เฝ้าละเมอง พ้อฝัน มาจนทุกวัน ทุกปี मुझे पूरा यकीन है कि इस जगह को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं तो किसी को एतराज नहीं होगा, क्यों? किसी को तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है तो फिर बजाओ, मैं नाचूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस समारोह का चेयरमैन बना हूं। मैं दुआ करूंगा कि सालों से चली आ रही नौका दौड़ की प्रतियोगिता सालों साल ऐसी ही चलती रहे। हम अगले साल फिर मिलेंगे। आप सबका शुक्रिया। क्या बात अच्छे, बहुत अच्छे। उधर हो जाए, मुझे नुएल से अपना प्यार मांगने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा यकीन है। हा हा। वो बिल्कुल मना नहीं करेगी। क्या हाल है नुएल? बहन तुम यहाँ?
हाँ मैं। तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? ये क्या बात हुई, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार मांगने आया हूँ नुएल। कल रात को तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया और आज इस तरह से बर्ताव। मैंने कब इजहार किया? तुमने मेरे सपने में आकर कहा था। सपने देखना छोड़ दो पैन, समझे? लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, प्लीज मुझे अपना प्यार दे दो। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं छोड़ सकता। रुक जाओ, ये तुम्हारा जवाब नहीं। क्या बात है? चल, चल बोला ना बाजू में। चल साथ, तुम उन पर बिल्कुल ध्यान मत दो। चलो पीछे जाकर नुआन से मिलते हैं। चलो बाजू, चलो ना। नुआल, मैं जरा साइपिन से मिलकर आती हूँ। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जब जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना। साइपिन, साक, साक, कहाँ खो गए तुम? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया नुआल। उस दिन जान बचाने के लिए मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा भी नहीं किया। वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम जानती हो कि वो लोग थे कौन? ए, सुनो, तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? हाँ? मुझे कैसे पता होगा, हो सकता है साइपिन का दोस्त हो। वैसे भी वो कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे नूल से दूर रखूंगी। अरे इतना क्यों सोच रही हो, नुअल और तुम दोनों एक ही स्टेज पर गाना गाती हो, और वैसे भी उसके दादाजी टॉम तुम्हारी कितनी मदद करते हैं, भूल गई? हाँ, याद है कि नहीं? ए, तुम फिर से आ गए? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर ना तो बाहर के लोग आ सकते हैं और ना ही बाहर के कुत्ते? इसे मैं यहाँ पर लाई हूँ, क्या कर लोगे तुम? ए साइपिन, मुझसे पंगा लेना चाहती हो? तुम तो जुबान से भी तीखी हो। और तुम भी अंकल प्लाक, अंकल प्लियन के बेटे, हिम्मत है तो मुझे थप्पड़ मार के दिखाओ। चलो। हे, मेरे पापा का नाम अपने जुबान पे लेती है, रुक तेरी तो। ए, रुको। साली। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम जैसे गुंडों से बिल्कुल नहीं डरती। मैं जाकर तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगी, समझे, कि तुम दिन भर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मुखिया के बेटे के साथ घूमते रहते हो, कुत्ते की तरह हर वक्त दुम हिलाते फिरते हो और मुझे छेड़ते भी हो। ए साइपिन, मैंने किया क्या है, मुझसे क्या तकलीफ है जो तू इस तरह खुलेआम मुझे धमकी दे रही है? तो फिर किसने कुत्ते की तरह भौंकते हुए कहा था कि वो मुझे काट खाना चाहता है? बदतमीज लड़की, एक दिन तेरा वो हाल करूंगा कि चल भी नहीं पाएगी। ए, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम एक मर्द हो और वो एक लड़की, तुम में कोई शर्म है या नहीं जो एक बेचारी लड़की पर अकड़ दिखाते हो? तुझे क्या तकलीफ है रे मेरे नाजुक से दोस्त? देखो, अगर तुमने यहाँ पर लड़ाई की तो नैप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे गुंडे पैदा हो गए हैं। बिल्कुल सही देख रहे हो, और एक दिन तुम्हें अपनी औकात का पता चल ही जाएगा। अपनी इस बेइज्जती का बदला एक ना एक दिन मैं लेकर रहूंगा, और वो भी बहुत जल्द। चलो रे। ए, जो करना है अभी क्यों नहीं करते हो? उल्टे पांव वापस भाग रहे हो, डरपोक कहीं के, बदतमीज। साइपिन। चोर, चोर घुसाए। चलो जल्दी जल्दी ले जाओ। जल्दी चलो। तुम लोग इतनी आसानी से मेरी चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। Oh my God!
मरना चाहती है क्या? ये खड़े जा, ये खड़े जा, उनका जाने इधर आ, खड़े जा, चल मेरे साथ, इधर हो जा, चल, 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 यहीं पर, चल, 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 अपने दिमाग को शांत करो। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग आखिर थे कौन। मुझे पता है, वो कून का बेटा खेमी हो सकता है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं। पहले हमें इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए, उसके बाद में बदला लेने की सोचना। आवारा कुत्ते! चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? मदक भूत। क्या कहा? माँ दरवाजा खोलो। ये तो मैं हूँ। दरवाजा खोलो माँ। मारी हो? माँ, ये सब क्या हो रहा है? अपने पापा से ही पूछ लो। पापा, क्या हुआ पापा? सुनो, क्या तुम्हें यकीन है यही वो घर है? यही है वो तांत्रिक बाबा का घर। शुक्र है हम पहुंच तो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाई संभल के, संभल के देखो भाई। हाय मत करो, काफी अंधेरा है। चल चल चल, आया ऊपर से। संभल के बाबा, क्या आप अंदर हो? आप उन्हें पुकार क्यों रहे? चलिए सीधे अंदर जाकर देखते हैं। आइए अंदर चलिए। सुनो बेटे, ये क्या है बाबा? मुझे भी नहीं पता। बस कर भूत, कौन हो तुम लोग? बाबा मैं कौन? अंदर आ जाओ। किस काम से आए हो? बाबा एक रूह हमें सता रही है। ओह, मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई भी तांत्रिक उसे काबू में कर सकता है बाबा, क्योंकि वो रूह सालों से लोगों को डराती आ रही है। हाल ही में मैंने उसे अपने घर में भी देखा था। मुझे ऐसी डरावनी रूहें बहुत पसंद हैं। ไปทันสารไว้เร็ว
क्या बात है नुवल बेटी? पापा दरवाजा खोलिए। पापा, अरे इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने आपको जोर जोर से माँ का नाम पुकारते हुए सुना। कौन, मैं चिल्ला? हाँ पापा, आप इतनी जोर से चिल्लाए कि मेरी नींद ही टूट गई। बेटी फिर से सो जाओ, अभी सुबह होने में बहुत देर है। पापा, आपने सपने में माँ को देखा ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब है तुम्हारी माँ का दोबारा जन्म होने वाला है। मैंने देखा कि तुम्हारी माँ पर किसी ने चाकू से वार किया। मैंने भी यही देखा था। क्या नुवल, तुम घर पर ही रुको, मैं तुम चलो मेरे साथ, चलो जल्दी करो। दादाजी, दादाजी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी माँ के मंदिर के पास जा रहे हैं। चैन, ये सब क्या हो गया? ये सब किसने किया? मेरी बेटी के मंदिर को तोड़ने की हिम्मत किसने की? अब तो कोई भूत हमारे गांव वालों को नहीं सताएगा। वो तांत्रिक बाबा का तो जवाब नहीं, उन्होंने वाकई कमाल कर दिया सचमुच। चैन की रूह भी तो नदी में डूब चुकी है हमेशा के लिए। इसका मतलब अब नोवल भी तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं भाग पाएगी। सुनो खेम, क्या हुआ? वो देखो साइपिन आ रही है। ओहो, साइपिन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? इधर आ जाओ, मिलकर मजे करते हैं। ए, तुम लोग इतनी सुबह सुबह पी कैसे सकते हो? वैसे भी तुम्हारे करीब कौन आना चाहेगा, बदमाश कहीं के। ओए, जबान लड़ू रहेगी, इसका कुछ करना पड़ेगा। नुवल, 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 ये तुमने क्या हाल बना रखा है अम्मा? मेरी माँ को गुजरे इतने साल हो गए हैं, मगर ये जालिम लोग आज भी उन्हें परेशान करते हैं। वो उन्हें चैन से नहीं रहने देते। मुझे उनके लिए बुरा लगता है, उन पर जुल्म होते देखकर वो लोग खुश होते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो लोग कौन है, उनके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। गोली मत चलाइए। छोड़ो ना, तुम्हारी माँ का बदला लेने के लिए मुझे इन्हें मारना ही होगा। रुक जाओ ना पापा, माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। बेटे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा, उस बात खुद तो बेटे बोलिए पापा। ये बिल्कुल ठीक कह रही है ना, जल्दबाजी में अपने होश मत खो बैठना। पर इन्होंने मेरी बीवी की रूह को छेड़ा है। सबसे पहले तो तुम लड़ाई झगड़े के बारे में भूल जाओ। माना कि इन लोगों ने मंदिर के साथ जो किया वो बुरा था, और इसीलिए अगर तुमने इन्हें मार दिया तो क्या इससे तुम्हारी बीवी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी? हाँ, लेकिन अगर तुमने अपना झगड़ा मिटा दिया तो इसका मतलब है तुम अपने और अपनी बीवी के लिए एक नेक काम करोगे, समझे? और तुम्हारी ये बेटी भी यतीम होने से बच जाएगी, इसलिए कभी जोश में होश नहीं खोना चाहिए, समझे ना तुम? कभी ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े।
साले। पापा अंकल। ये हम सब के लिए अब मुसीबत बन गया है। एक ग्लास पियो डर भगाओ। एक दिन तुम लोग अपने किए पर बहुत पछताओगे। अब चलो यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है। बड़े आए। देखो खेम, एक भिक्षुक को डराना बहुत बुरी बात होती है। चलो डरना बंद भी करो। सुधर जाओ। आप पियो, दिल खोल कर पियो। ए बेटा सुनो, डर खत्म। हाँ पापा, अपने दोस्तों से कहो जितनी चाय पी सकते हैं। घबराइए मत, हमारे पास बहुत सारी पड़ी है। और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। ठीक है, तुम फिकर मत करो, मजे करो। अरे तुम भी आओ ना, तुम कहाँ चले? बाजी की आवाज। मेरा वाला गिलास है। ये तो बाजी की आवाज है। चैन कौन? कौन बाजी की आवाज? चैन के बाजी की आवाज। बता दिए आवाज कहाँ से आ रही है? कौन? मुझे भी आवाज साफ सुनाई दे रही है। पापा ये सब क्या हो रहा है? पापा तो फिर से शुरू हो गए। चलो उठो। वहाँ पर भूत है पुजारी जी। वहाँ पे सचमुच एक भूत है। अगर ऐसा करोगे तो तुम भिक्षुक नहीं कहलाओगे। हमेशा भूतों पर इल्जाम डालना सही नहीं होता है, समझे? लगता है किसी ने कोई मजाक किया है। कहाँ जा रहे हो साथ? मैं भूतों से नहीं डरता। मैं पता लगा कर रहूंगा कि असली बात क्या है। जरा संभल कर जाना। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। रुक जाओ साथ। तुम कहाँ जा रहे हो साइपिन? नहीं पापा, आपने उसे अकेले क्यों जाने दिया? तुम कहो तो मैं उसके साथ चला जाता हूँ। मैं जाऊंगी उसके साथ। साइपिन तुम एक लड़की हो और वो एक मर्द, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ओह पापा, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यहाँ बैठकर फिक्र करने से तो अच्छा है कि मैं चली जाऊँ उसके साथ। नुवल? साक तुम? देखो ना साक, वो लोग मेरी माँ को ले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, पर अब उसे भूल जाओ, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। मगर मैं देखो नुवल, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हारे संगीत की वजह से लोगों को लग रहा है कि यहाँ कोई भूत भूत है। पर मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं समझता हूँ नुवल, पर तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई है, वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी। तुम यहाँ पर आओ या फिर ना आओ, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। रोलो नुवल, सारी भड़ास निकाल लो। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हें हकीकत का सामना करने की हिम्मत मिलेगी। फिर तुम्हें हर रात यहाँ पर आके रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाओ बेटी। आज नाश्ते में क्या खास बनाया है? फ्राइड फिश और चिकन करी। अच्छा अच्छा। नमस्ते अंकल नाप। नमस्ते दादाजी।
आ जाओ बेटे, तुम भी नाश्ता कर लो। जी शुक्रिया। साइपिन, मुझे लगा था तुम पापा के साथ ड्यूटी पर गए हो। हाँ मैं बस अभी अभी आया हूँ, मुझे लगा घर पर कोई नहीं है। हे साक, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बना देती हूँ। नहीं साइपिन, उसकी जरूरत नहीं है, दरअसल मैं आते वक्त थोड़ा सा खाकर आया हूँ। पी साक, साइपिन เป็น อะไร ไม่ รู้ อ่ะ ร้อน นุ่ม ไป หมด เลย แล้วสายพินเป็นอะไรเหรอจ๊ะสายพินมีอะไรให้พี่ช่วยไหมล่ะช่วยให้สายพินหายร้อนได้ไหมจ๊ะสายพินสายพินสายพินอย่านะสายพินअपने सर को थोड़ा सा ऊपर करो, मैं इस पर थोड़े से मंत्र लिख देता हूँ। हाँ बस ठीक है। पुजारी जी आप यहाँ पे, तुम जैसों की वजह से धर्म भ्रष्ट होता है। मेरे कपड़े उतारो, मैंने इसे भी सुखाया था और तुमने चुरा लिया। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, मैं बस इसकी थोड़ी मदद करना चाहता था, क्षमा कर दीजिए। गलती करते और माफी मांगते हो, तुम जैसों की वजह से ही धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर लोगों ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि ये सब मैं करवा रहा हूँ, और लोग मुझे भिक्षा देना भी बंद कर देंगे। और आप मैडम, आप इतनी रात को इस जंगल में क्या करने के लिए आई हैं? आपको डर नहीं लगता? हाँ पर मैं तो एक मर्द हूँ। ये बात है, अब हो गई ना मुसीबत। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी बेटे।
कौन सा महीना चल रहा है? वो जाने दीजिए सर, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। सच तो यह है कि मैं न्यूअल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस वीकेंड पर बैंकॉक जाकर अपने माँ बाप से मिलूंगा ताकि वो लोग शादी की तैयारियां कर सकें, पर तब तक आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लीजिए प्लीज। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, इससे पहले की बात बिगड़ जाए तुम शादी कर ही लो। हम पुलिस वालों को भी कितने अजीब राज छुपाने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नुआन, मैं ये मेरी चाल। साइपिन आ रही है। ये ले। क्या हाल है जाने मान? आज मुझे हेलो भी नहीं कहोगी साइपिन। आप मुझे छेड़ना बंद करो, बहुत जल्दी तुम रोने वाले हो। तुम्हें पता है कि बहुत जल्द नुआल की शादी होने वाली है। क्या? नहीं। अरे ये क्या है? और फिर ना, हर कोई तुम पर सिर्फ हंसेगा। तुम्हारे साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। कह दो ये झूठ है साइपिन। ठीक है, मेरा यकीन नहीं करना चाहते तो जाओ मत करो। तुम्हें पता है साक मेरा कजिन नहीं है, वो नुआल का होने वाला पति है। क्या? वो शादी की बात करने के लिए अपने माँ बाप को यहाँ ला रहा है। ये क्या बकवास है, मुझे यकीन नहीं होता। यकीन करो या मत करो, अगर तुम अब भी उससे प्यार करते हो, अगर उसे हर हाल में हासिल करना चाहते हो तो बताओ। हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। नुअल को पाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपने लिए कोई अलग सा नौकर क्यों नहीं रख लेती? जल्दी करो, ज्यादा बकबक मत कर। तो रहा हूँ, अब और क्या करूँ? तो बिना बोले करो ना। ये लो शरबत पी लो। बहुत बहुत शुक्रिया साइपिन। शरबत बहुत अच्छा था। कोई बात, तैयार हो जा बेटी। इसे अचानक क्या हो गया? नूल बेटी, क्या हुआ? नूल, क्या हुआ तुम्हें? क्या यहाँ? हाँ, नूल, तुम ठीक तो हो? ठीक है। क्या हुआ नूल? ठीक हो जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो ना? सब ठीक हो जाएगा बेटी। साइपिन, बहुत तकलीफ हो रही है क्या नूल? देखो बेटी, ज्यादा परेशान मत हो। साइपिन, मुझे घर ले चलो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ले चलती हूँ। नूल, मेरे ख्याल से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। देखो बेटी, दादाजी। हाँ बोलो बेटी। मुझे नहीं लगता आज मैं नाच गाना कर पाऊंगी। कोई बात नहीं नुअल बेटी, हम समझ सकते हैं, इसके लिए कोई तुम्हें दोष नहीं दे रहा है, तुम बेफिक्र रहो। नुअल जी। साइपिन, हाँ बोलो। आराम से नुअल। तुम्हारी हालत तो वाकई बहुत खराब है। पता नहीं क्या हो गया है इसको। प्लीज तुम मुझे घर ले चलो। तुम में से कोई इसके साथ जाओ, जल्दी से इसके कपड़े बदलवा दो। चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ। तुम्हारा तो बहुत सारा खून बह रहा है, शायद तुम्हारा बच्चा गिर गया है ना? तुम्हें ये बात कैसे पता चली साइपिन? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब पता है यहाँ क्या चल रहा है। प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना साइपिन, मुझसे वादा करो साइपिन। साइपिन, ये खेम हमारा पीछा क्यों कर रहा है? जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो साइपिन? अब क्या ये भी बताना पड़ेगा? ये सवाल तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछती? तुमने मुझसे मेरा प्यार चुराया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया? इस तरह सजा क्यों दे रही हो?
इसका मतलब ये हाँ, बच्चा तुम सही सोच रही हो, ये बच्चा मैंने ही गिराया है। साइपिन, ये हरगिज मत सोचना कि मैं खेम से शादी करूंगी। आजा, अरे हाथ दे, चल, आजा ना। छोड़ो मुझे खेम, छोड़ो मुझे। नाटक मत कर, आजा चुपचाप, चल। मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। क्या? साइपिन, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नुआन! नुआन! नहीं, नुआन! कहाँ चला गया? खेम! अरे मिली कि नहीं? खेम क्या? अरे बोलना क्यों नहीं? बोलना! अंकल ब्लैक! नुआन कहीं भी नहीं मिल रही है! जल्दी करो, यहाँ बिछाओ इस तरफ। अरे उस तरफ देखो, चलो डुबकी लगाओ, देखो वहाँ पे कहीं मिली। जल्दी जल्दी गहराई में गोता लगाना, गहराई में। दादाजी नुआन मिल जाएगी बेटा, फिक्र मत करो। नहीं मिला, सब तरफ ढूंढो। यहाँ पे साइपिन, जरा यहाँ आओ बेटे, यहाँ। अब बताओ कौन सी जगह थी? वहीं पर मछली जाल फेंको, वहीं पर। अरे जल्दी ढूंढो, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ भी कुछ नहीं है। क्या हुआ? अरे कोई तो नुआन को ढूंढ कर लो। सुनो साथ, तुम अब थोड़ी देर पानी में मत जाओ, तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन है वो जिंदा है, मुझे जाने दीजिए। मेरी बात सुनो बेटे, नहीं सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब दुआ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सभी देवताओं और इस बरगद के पेड़ की देवी जो यहाँ पर बसती है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप नोएल के शरीर को पानी से बाहर लाइए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप नोएल के शरीर को पानी से बाहर लाइए, पानी से बाहर लाइए। सबको पुकारता हूँ, मैं सभी देवताओं को पुकारता हूँ कि मेरी पोती की शरीर को ऊपर लाएं, ऊपर आ जाओ नोअल, 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 ऊपर आ जाओ। ये तो चमत्कार है, वाकई चमत्कार है। हाँ देखो देखो वहाँ पे, हाँ बिल्कुल वही। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। क्या हो गया ये? शायद हमें अंदर जाना चाहिए, अगर हमने और देर की तो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मेरी जवानी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला शांति दे, हम क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ कर दिया नुआन, नुआन,
नुवल, नुवल जिंदा है, नुवल, नुवल। नोएल अब इस दुनिया में नहीं रही, जरा अपने आप को संभालो बेटे साक। तुम इसे वापस लिटा दो, तुम इसकी रूह को और ज्यादा परेशान मत करो। पर पुजारी जी अब तक जिंदा है, देखिए ना। हाँ ये मर चुकी है, बस इसकी कुछ नसों की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या बात है? और उसकी रूह बहुत ही हिंसक हो गई है, वो अब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हमारा क्या होगा बताओ? मैं जा रहा हूँ। जब वो डूबी थी उसके पेट में बच्चा भी था। क्या साइपिन, क्या कहा तुमने? मोंगसाई यहाँ पर भूत है, यहाँ पर भूत है, सचमुच भूत है। अब तुम ये डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा। चलो इसे बंद करते हैं। बाहर आ जाओ नुएल, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो नुएल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साक, मेरी मदद करो प्लीज। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुक्ति तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मदद करो साक। उसे नीचे उतारो। हाँ, सब लोग जरा मदद करो। आराम से, आराम से। जरा हाथ देना भाई, बस ये। हाँ, तो हाँ।
चलो उठाओ बच्चों, हाँ, हाँ, उठाओ हाथ दो भाई आराम से, ठीक है ध्यान से, हाँ बीचों बीच पकड़ लो बेटी, जहाँ रहो सुखी रहो। तुम्हारी बहुत याद आएगी। चिल्लाओ मत, मुझे अपना काम करने दो, जाओ यहाँ से जाओ। जाओ और उसे रोको। वापस आओ। किम चलो, वो बुला रहे हैं। उठो साग। चलो निकलो यहाँ से। ओ ये सब बहुत भयानक है, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। चलो 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 यहाँ से, चलो 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 यहाँ से, ठीक नहीं हो रहा। चलो भाई आ गए आप लोग हैं। कल रात कोई कब्रिस्तान के अंदर घुस आया था और उसने नोएल की लाश को बाहर निकाला और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें की हैं। बहुत शर्मनाक बात है। कितनी घटिया हरकत है ये। हाँ आखिर ऐसी घटिया हरकत कर कौन सकता है पुजारी जी? ये तुम्हारे बेटे खेम की हरकत है। तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो नैब। ये मरा हुआ आदमी तुम्हारे बेटे का दोस्त है कि नहीं? चुप क्यों, जवाब दो मुझे। ये आदमी अपने आप डूब गया, इस बात का मेरे बेटे से क्या ताल्लुक? क्योंकि वो हर जगह खेम का पीछा किया करता था। तुम्हारा ही बेटा नोएल की कब्र खोदने गया होगा। मुझे पूरा यकीन है नोएल की मौत के लिए भी तुम्हारा बेटा और उसके दोस्त जिम्मेदार हैं। बस बस बस, आप लोग आपस में झगड़ना बंद कर दीजिए। क्यों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हैं आप लोग? कम से कम ऊपर वाले की खातिर आप दोनों आपस में बहस करना बंद कर दीजिए। नोएल की मौत कुदरती तौर पर नहीं हुई है, इसे देखकर लगता है जैसे ये शापित हो। अगर तुम्हारे बेटे ने कब्रिस्तान में जाकर कुछ नहीं किया
तो फिर ये कौन सा काला जादू हो सकता है? मैं जानता हूँ। कल रात मैंने उन्हें कब्रिस्तान में कब्र खोदते देखा। हालांकि उन लोगों के चेहरे ढके हुए थे, मगर मुझे यकीन है कि हो ना हो वो लोग हमारे गांव के ही थे। तुम तो इस गांव के मुखिया हो ना, फिर भी इस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हो। इसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मैं खुद ही देख लूंगा। हाँ बोलो, क्या बात है? किस लिए बुलाया है मुझे यहाँ पर? और क्या बात हो सकती है? अंकल नाप को पता चल चुका है कि कल रात तुम ही उस तांत्रिक बाबा को कब्रिस्तान ले गए थे नोअल की कब्र खुदवाने। क्या? और आज उनका अंकल कून के साथ मंदिर में झगड़ा भी हुआ। शायद उन्हें सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। धत, क्या कहा पापा ने? वो भला क्या कहेंगे? अपने प्यारे बेटे को इतना बिगाड़ जो रखा है तो कोई बहाना ही नहीं सूझ रहा होगा उन्हें। ए साइपिन, मैं कह देता हूँ, जबान संभाल कर बात करो। क्यों? क्या ये सब सच नहीं है? सबको इस बारे में पता है, तुम्हारी करतूतों के बारे में सब जानते हैं। इसीलिए तो तुम एक भीगी बिल्ली की तरह यहाँ जंगल में छुपे हो। और देखो, तुमने मुझे 20 चक्कर में फंसा दिया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। साइपिन, तुम सारा इल्जाम मुझे अकेले पर नहीं लगा सकती, समझी? उसे बहला फुसला कर कौन लाया था? तुम भी इसमें शामिल हो क्योंकि तुम्हें भी एक पति की जरूरत थी, समझी? थी कि नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कहाँ जा रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मंदिर के पास जाकर आती हूँ। मुझसे नाराज तो नहीं होना नुआन, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मरना क्यों चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है, मर जाने से तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी साइपिन? मगर मैं अब और जीना नहीं चाहती हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसके लिए मुझसे नाराज नहीं हो नुअल? तुमने मेरे साथ जो भी किया हो वो सब भूल जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई दोस्त नहीं है। नुआल, नुआल, मुझे माफ कर दो, नुआल, मुझे माफ कर दो, नुआल, नुआल, नहीं नुआल, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी नुआल, मुझे छोड़कर मत जाओ। साइपिन, तुम्हारे पापा आ गए हैं। साइपिन, तुम्हारे पापा आ गए हैं। मुझे ऐसा पता चला है कि इस पूरे हादसे के लिए काफी हद तक साइपिन भी जिम्मेदार है, पर अब इसके साथ जो हो रहा है वो इसी के किए का नतीजा है। अब फैसला आपके हाथ में है नैब।
मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम तो जानती हो कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है बेटा। वो लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, पता नहीं क्यों उन लोगों को मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है। वो बदमाश लोग हमेशा ही मुझसे बदला लेने पर तुले रहते हैं। उन्हें तुम्हारी रूह को तबाह करना है, वरना वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें मार दिया तो तुम्हारी रूह शैतान बन जाएगी बेटी, और तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकती रह जाएगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए दादाजी? ये फैसला तुम्हें करना है। तुम उनसे लड़ना चाहती हो या फिर मुझे तुम्हारी रूह तबाह करनी होगी। अगर तुम लड़ोगी तो तुम्हारी रूह एक शैतान का रूप ले लेगी बेटी, और काले पानी में भटकती रहेगी। वो लोग मेरी रूह को आजाद भी नहीं कर रहे, मुझे चाहे जहन्नुम में कितना भी वक्त बिताना पड़ जाए, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उनकी जान लेकर तुम्हारी आत्मा को मुक्त करूंगा। अब मैं इस साधु की खोपड़ी को तुम्हारी कब्र में रख दूंगा। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी रूह की हमेशा हिफाजत करेगी। जल्दी आओ मेरे पास। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, जल्दी आओ। अरे तुम रुक जा। रुक जाओ खेम, तू फिर आ गया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ลงไปอยู่อินวนทำมึง
करना अब। रुक जाओ, हथियार नीचे फेंको। रुक जाओ कौन? फेंको नीचे। बेटे नाम अंकल, उठिए। तुम जिंदा नहीं बचोगे। बस करो, अपने पापों का खड़ा कितना भरोगे? इतना कुछ करने के बाद अब पूरे गांव के सामने तुमने नैब का कत्ल कर दिया, तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी? नैब, अंकल नैब, नैब बेटे, अंकल नैब, ए ऊपर वाले। देखा, आखिर तुम्हारी मौत मेरे हाथों हुई कि नहीं? इनुआन, इनुआन, लोबा, लोबा जो तुम दुआ है। वेन, ยอมระงับด้วยการไม่จองเวรนะสิกาคนเลวอย่างพวกมันไม่มีวันสำนึกถึงบาปกรรมหรอกคุณพ่อแต่มันก็ยังดีกว่าจะให้เวรกรรมของพวกมันมาแปดเพื่อนดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ของสีกาไม่ใช่เหรอเชื่อหลวงตาเถอะลูกยังน้อยที่สุดเวรกรรมน่ะจะได้ไม่ต้องติดตามตัวเองโอ้โหสิทธิ์ลูกเอ้ยนวลให้อาตมาบิณฑบาตชนะสีกาबेटी साइपिन, अपने आप पर काबू रखो बेटी। साइपिन, नहीं, शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। नुअल बेटी, अपने दादाजी और साख की फिक्र मत करना। अब तुम स्वर्ग में जाना बेटी। अगर सच में कोई अगला जन्म है तो मेरी दुआ है कि तुम और साख साथ रहो और खुश रहो। खुश रहो बेटी। नुअल, मेरी फिक्र मत करना। इस जन्म में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, हम अगले जन्म में जरूर एक होंगे। จงสุขกายสุขใจเถิดสีกานวลเอ้ยऔर तब से टाकू गांव के लोग मानते हैं कि नहर के किनारे वाले बड़े बरगद के पेड़ के नीचे नांग प्राय मंदिर में चैन और नुएल की रूहें बसती हैं। आखिरकार जिसे लोग एक भयानक मंदिर मानते थे, उस गांव का सबसे पवित्र मंदिर बन गया।ตอนเกิดเป็นคน
ต้องเป็นผีวีร่างในสายชนวิญญาณเวียนวนหลอกคนที่มาทำลายนางร้ายไม่ร้ายเหมือนดังกับชื่อนวลจังนั้นหรือสิ้นชื่อสุดแสนอะไรดูคนเลวรังแกจนต้องตายแต่นางร้ายไม่ตาย